तो अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जो रेड आई प्रोड्यूस करवाने के जो लोग आपको डराते हैं जी, ये पेयरिंग लगाए, क्रिमिनल ड्राई क्यों लगाए, ये लगाए, फलां लगाए, कॉस्टली पेयरिंग आपको बताते हैं। तो आज आपका भैया आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और आपको चीप पेयरिंग बताएंगे, इतनी कॉस्टली नहीं है, नया जो बंदा है वो भी अफोर्ड कर सकता है। मैं भी क्योंकि न्यू बिगनर हूँ तो बहुत ही जो है ना कम पैसों में आप रेड आई प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये जनाब अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिट रेड आई है, ये भी अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिट रेड आई है। तो ये स्प्लिट टू स्प्लिट की बेयरिंग है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने जिससे भी बर्ड खरीदना है, आपने अपने इलाके के जो अच्छा और बड़ा फैंस ये, आपने उसे बर्ड खरीदना है। हमेशा आपने क्वालिटी पे काम करना है, क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छी चीज़ लगानी है, आपकी चीज़ जल्दी सेल होगी, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी अपनी चीज़ सेल करने में। हमेशा टॉप क्वालिटी पर सेल ब्रीड करवाएं। तो ये आप पेयरिंग करनी है, आपने मेरी रिकमेंडेशन पे आपने ये पेयरिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस लिया है पिछले साल, तो मेरे भी ये घर के पेड़ लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास रेड आई भी आएगा, अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट्स भी आएगा। तकरीबन 50-50 चांस हो गए आपके रेड आई के और अल्बाइनो स्प्लिट्स के, दोनों बर्ड की रेशो आपकी बराबर होगी और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और हमेशा आपने जो है ना क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छी ब्रीडिंग लगानी है, अच्छा बर्ड लगाना है, बर्ड का साइज़ अच्छा हो, और सबसे मेन चीज़ आपने अपनी डाइट अपनी अच्छी रखनी है बर्ड्स की, ताकि आपका बर्ड वीक ना हो और ब्रीडिंग सीजन में आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। कि अपनी दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।